अभी जो है हमारे बिहार में मनाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से छठ, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि छठ मन रहा है, मेरी माँ भी कर रही है, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड में। अभी हम लोग बस जा रहे हैं घाट के साइड, इधर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा साफ सफाई हो गया है, जो कि रहता नहीं है, लेकिन छठ के जो है नाम पे पूरा इधर साफ हो रखा है। और हम लोग बस जा रहे हैं, देखते हैं अर्घ कर देते हुए देख लेंगे, वही बहुत बड़ी बात। सो हे फैमिली, कैसे आप सब, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने नए व्लॉग वीडियो में। अभी जो है हमारे बिहार में मनाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से छठ, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि छठ मन रहा है, मेरी माँ भी कर रही है, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड में। क्या ही किया जाए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के लिए मैं यहीं पे हूँ। अभी मैं गया नहीं था दिवाली और छठ के हॉलीडेज़ में, छठ का तो हॉलीडे यहाँ पे मिलता नहीं, लेकिन इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तराखंड में छठ कैसे मनाया जाता है, क्योंकि हमारे कॉलेज के बाहर है टूंस नदी और उसी में जो है इस बार छठ मनाया जा रहा है। इसी बार नहीं, मेरे मित्र प्रतीक ने मुझे पहले भी बताया था कि हाँ पिछले साल भी यहाँ पे मनाया गया था, और अभी मैं जस्ट मैकेनिकल लैब के पास था जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के जस्ट नज़दीक में ही है दोस्तों। वहाँ पे मैंने पड़ाकू की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनी और छठ के गाने भी बज रहे हैं, और रोड तो भाई साहब पूरा खचाखच भरा हुआ है। तो मैं चलिए आप सभी को दिखाता हूँ कि उत्तराखंड में छठ कैसे मनाया जाता है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं यहाँ रह के भी जो है सूरज भगवान को अर्घ देते हुए छठ करने वाले लोगों को देखूंगा। यहाँ तो कोई छठ करने वाले मुझे मिले नहीं, वहाँ टोन्स में जाएंगे तो मिलेंगे, लेकिन हाँ जो जो लोग भी छठ कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, या उनके माता पिता छठ किए हुए हैं और उनके बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो सब भी छठ करने वाले लोगों के भाई साहब चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श। मैं वहाँ अपने घर पे रहता तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेता, बाकी लोगों का आशीर्वाद लेता, लेकिन मैं यहाँ हूँ उत्तराखंड में, तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सभी मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि मैं ऐसे ही सही धर्म के मार्ग पर चलता रहूँ और अपने से अच्छा इंसान बनूँ, पढ़ूँ लिखूँ और अपने परिवार का नाम करूँ। तो बस यही है दोस्तों, चलिए चलते हैं। अपने सारे दोस्तों को जमा कर लिया हूँ मैं और सबको लेके जाता हूँ टोन्स में, सबके साथ छठ देखूँगा, अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉर्ट्स आप लोगों को बना के दूंगा। जैसे ही मैं कैंपस से बाहर निकला, मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। ये देखकर बहुत खुशी हुआ कि उत्तराखंड में भी छठ का क्रेज़ बहुत है। अभी हम लोग बस जा रहे हैं घाट के साइड, इधर आप लोग देख सकते हैं कि पूरा साफ सफाई हो गया है, जो कि रहता नहीं है, लेकिन छठ के जो है नाम पे पूरा इधर साफ हो रखा है। और हम लोग बस जा रहे हैं, देखते हैं अर्घ कर देते हुए देख लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। समय लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है, लेकिन नहीं, चलते हैं नीचे, देखिए वहाँ पे जो है पटाखे वड़ाके छूट रहे हैं और अभी बस लोग जा ही रहे हैं, तो बस हम लोग चलते हैं और इंजॉय करते हैं। भाई साहब भीड़ तो बहुत है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। अभी आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन डेज में जो है पूरे टोन्स खाली रहता है, लेकिन अभी के टाइम में जो है पूरा टोन्स भरा हुआ है और लोग तो भाई साहब इतने हैं कि देख के बहुत खुशी हो रहा है। मुझे उम्मीद था कि छठ मनेगा, लेकिन इतना बेहतरीन वाला मनेगा ये नहीं पता था। तो चलिए देखते हैं, लोग अर्घ दे रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। सभी लोगों को अर्घ देते हुए देख के ये लग रहा है कि हमारी माँ भी वहाँ पे अर्घ दे रही होगी, लेकिन भाई साहब ये दुर्भाग्य ही है कि मैं उनको देख नहीं पाऊँगा अर्घ के टाइम पे। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं कि इधर उधर जो है सारे लोग अर्घ दे रहे हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है यहाँ रुकने के बाद, लेकिन बाकी मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि हाँ उनको कैसा लग रहा है भाई साहब, और उन्हें हाँ ये उम्मीद भी थी कि नहीं कि देहरादून में ऐसा छठ मनेगा। ये एक एक करके सबसे बात करते हैं। आइए हम अपने मित्र हर्षित से पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है यहाँ रहने पर छठ के टाइम पे। बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा बहुत याद भी आ रहा है, लेकिन ऐसा हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि यहाँ पे ऐसा होगा। थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, अब तुम बताओ कुणाल, तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पे रहने के बाद? वेरी नाइस। घर वालों को मिस नहीं कर रहा है? मिसिंग होम। मिस करने के बावजूद भी नहीं जा सकते हैं। अब हम पूछते हैं ऋषि से, तुम बताओ तुमको कैसा लग रहा है यहाँ रहने के बाद? मन नहीं लग रहा है। घर पे छठ हो रहा है कि नहीं?
हाँ हो रहा है। तो तुम यहाँ है बताओ, हमारी माँ लोग वहाँ पे अर्घ दे रही होंगी और हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं वहाँ पे। अभी हम दोनों का ही फायदा है कि दो को भाई है ना जी, ये वहाँ जो है जल दूध दे दिया होगा। हम लोग के जाने का कोई जरूरी नहीं है। अब बाकी भी नहीं, उधर कॉल पे बात कर रहे हैं कि स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत क्लास से आगे भाग आए और यहाँ पे आ गए। देखिए उम्मीद नहीं था कि इतना ग्रैंड होगा। बाकी हम अपने और दोस्तों से पूछते हैं, तुम बताओ आशीष, तुमको यहाँ मन लग रहा है कि नहीं? हाँ मन लग रहा है, देखकर घर में भी आ जा रहा है। हम आपको बता दें कि बस आज ही आया है, मतलब कल समझिए कि शाम में आया है और यहाँ आज छठ है, क्योंकि घर पे छठ हो नहीं रहा था। बताओ उम्मीद था कि यहाँ पे इतना बढ़िया छठ मनेगा? नहीं भाई साहब, ये हमारा फर्स्ट ईयर है और हमें नहीं पता था कि इतना बेहतरीन तरीके से, लग रहा है कि बिहार के कोई घाट पे आ गए हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम अपने वैभव मित्र से पूछेंगे। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ तुम बताओ, तुमको कैसा लग रहा है यहाँ रह के छठ में? मत पूछो यार, ऐसे अनएक्सपेक्टेड था कि इतना कुछ हो सकता है, लेकिन सही में जहाँ बिहार पहुँच जाए वहाँ छठ कहाँ नहीं पहुँचेगा। उत्तराखंड आज लग रहा है कि हाँ यहाँ गढ़ बन चुका है बिहार का। लग रहा है भाई साहब कि कोई उत्तराखंड के नदी में नहीं है, बिहार के कोई नदी में आ गए हैं। उधर हमारा कॉलेज है, नाइटी पट्टा दिख रहा है ये तो, नाइटी पट्टा। बाकी तुम्हारे यहाँ छठ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अरे हो रहा था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं जा पाए। अच्छा तो तुम बताओ, हमारी माँ लोग वहाँ पे अर्घ दे रही है, हम लोग यहाँ ऐसे हैं, लेकिन यहाँ भी तो हमारी सब माँ ही हैं। हाँ हाँ हाँ, सबको देख के ब्लेसिंग फील हो रहा है, लेकिन यही है ना कि हमारी माँ होती तो उनके चरण छूते। यहाँ आप ऐसे जाके किसी के भी छुएंगे तो वो लोग और खराब लगे, उन लोगों को लगे क्या कर रहा है बंदा। लेकिन जो है जितने लोग छठ के हुए हैं सबको हमारा प्रणाम, एकदम सादर चरण से समझिए। तो बाकी हम लोग जो है छठ इंजॉय करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा है भाई यहाँ तो। मैं कह रहा हूँ कि मन लग रहा है एकदम अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोगों को घाट पे मिला है बम, अब मिला है रौनक को। अब रौनक हम लोगों को दे नहीं रहा है, हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन इधर देख रहे हैं माचिस, नहीं तो कहीं ना कहीं से लाइटर जुगाड़ करके छोड़ेंगे। अब बाकी भाई साहब यहाँ वो जो कहते हैं ना छठ घाट की खुशबू, वो यहाँ मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस मिस कर रहा हूँ अपने लोगों को कि अपनी माँ होती यहाँ पे, या मैं वहाँ पे होता तो अपनी माँ को देखता, अपने भाई को देखता, अपने परिवार को देखता। मेरी नानी भी इस बार कर रही है, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ कि इस बार तो बस संध्या अर्घ हो हम लोग देखेंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग अगली बार होगा ना छठ, तो उसमें मैं आपको संध्या अर्घ भी दिखाऊंगा, सुबह का अर्घ भी दिखाऊंगा। अगर प्रभु के कृपा से हमारे यहाँ सब चीज़ ठीक रहा तो हमारे यहाँ जो है अगली बार नानी भी करेंगी, माँ भी करेंगी और दोनों मासियाँ भी करेंगी। बस प्रभु का कृपा रहा और सब चीज़ ठीक रहा तो ज़रूर, और अगली बार मैं यहाँ नहीं रहूँगा, घर पर रहूँगा और छठ का सारा जो है ब्लॉग व्लॉग मैं बना के और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन अभी जो है आप लोग यहाँ का एंजॉय कीजिए और वीडियो एंजॉय कीजिए। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं छठ घाट पे हूँ और यहाँ खुशी का माहौल है, भक्ति का माहौल है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो कि दुनिया का सच्चाई है दोस्तों, अगर कैमरामैन जूम करे तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ है यहीं एक शमशान जहाँ पे एक लाश जल रहा है। यही दुनिया की रीत है, कहीं खुशी मनाई जाती है, कहीं पूजा की जाती है, भक्ति में लोग कहीं लीन रहते हैं और कहीं जो है लोग भगवान में एक हो जाते हैं। तो यही है इस दुनिया की सच्चाई जिससे हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन कोई नहीं, सादर प्रणाम उनको और बाकी हम लोग छठ इंजॉय करते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो होप कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, एफर्ट बहुत डाला है मैंने और मैं खुश हूँ। ठीक है, ये वीडियो कैसा भी बने, मेरे को जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिला है उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश हूँ कि हाँ भाई चलिए देहरादून में भी रह के और मुझे छठ का ये आनंद मिल गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।